परचम के हवाले कर दे दीने इस्लाम के, परचम के हवाले कर दे खुद को अनवारे मुजस्सम के हवाले कर दे। जिंदगी चाहे दो आलम के हवाले कर दे, जहां मजार होता है वही पतवार होते हैं, नबी के चाहने वाले बड़े उदार होते हैं। जहां मजार होता है वही पतवार होते हैं, थोड़ा टोन बनाइए टोन इसका। जहां मजार होता है वही पतवार होते हैं, नबी के चाहने वाले बड़े खुददार होते हैं। पसीने का जो है कतरा अगर मिल जाए दुल्हन को तो कई नस्लों तक बच्चे भी खुशबूदार होते हैं। क्या बात है, कई नस्लों तक बच्चे भी खुशबूदार होते हैं। कमली वाले आपा मदीने वाले, आपा मदीने वाले, मेरी मुट्ठी में है कुछ खास। होल्ड करके बस बस बस, मेरी मुट्ठी में है कुछ खास उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खास उनके आस्ताने की। ये जमाना अब परे हिम्मती मत लगाने की, है मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। ये जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, क्योंकि मैं जब चल जाऊं तो पेशानी पे उनका नाम लिख देना, क्योंकि यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखा देगी। क्योंकि यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। लेकिन मेरे भाई बता दूं, नवाजी शुक्रिया सुभान अल्लाह, भाई बता दूं खुद की कीमत, बता दूं इजाजत है बता दूं खुद की कीमत, बता दूं खुद की कीमत मोहब्बत है मोहम्मद की, सुभान अल्लाह कह दे रहा हूं, बता दूं खुद की कीमत मोहब्बत है मोहम्मद की। खुदा खुद जिस पे शाहिद वो सूरत है मोहम्मद की, मोहब्बत की समर में आज भी टूटी चटाई पर ही सोता हूँ, क्योंकि चटाई छोड़ दो कैसे ये सुन्नत है मोहम्मद की। ये सुन्नत है मोहम्मद की। आइए नाते पार का ज्यादा मतलब नजर कर रहा हूँ,
और ये मतलब ये कहता हुआ है कि मेरे नबी पाक का घराना कैसा है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी पाक का घराना कैसा, मतलब मैं आज तक पहुंचा रहा हूं बड़ा सा कि जिसको भी देखता हूं दीवाना है नबी का, जिसको भी देखता हूं दीवाना है नबी का, जिसको भी देखता हूं दीवाना है नबी का, जिसको भी देखता हूं दीवाना है नबी का। नवासा बचाएगा।
कौन कौन करना चाहते हैं एक बार फिर से बता दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक बार बताएं कि आप हज अकेले करना चाहते हो या अपने माँ बाप के साथ? माँ बाप के साथ। आप देखिए बिन में पढ़ाइए, आवाज आनी चाहिए। अकेले हज करना चाहते हैं या माँ बाप के साथ? माँ बाप के साथ। कोई गाँव गाँव अब देखिए अपनी माँ के लिए एक बेटा चार चीजें कह रहा है। मैं रहमतों का खजीना दिखा के ले आओ, मैं रहमतों का खजीना दिखा के ले आओ, मैं उसे खुल्द का जीना दिखा के ले आओ, मैं रहमतों का खजीना दिखा के ले आओ, मैं उसे खुल्द का जीना दिखा के ले आओ। मेरे करीब तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। भाई भाई को भी सुनना है आखिरी ये मिसरे नजर कर रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। अब जरा ये मजमा मेरे साथ कहने में मजा आ जाए। ये घराना है नबी का, ये घराना है नबी का। स्टेज से कोई नहीं बोलेगा, आप सब बोलेंगे जो नबी का आशिक है। सलाम बता दे इस बात का सबूत दे दिया। ये घराना है नबी का, ये घराना है नबी का, ये घराना है नबी का, ये घराना है नबी का। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कव्वाल साहब के हाथ में माइक है, इसलिए इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके ये बोल रहे हैं। तो अल्लाह गवाह है कि लॉकडाउन में न जाने कितने प्रोग्राम हमने बिना माइक के किए हैं, और नबी वालों को इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। नबी का घराना कैसा है समझ लीजिएगा। ये घराना है नबी का, ये घराना है नबी का। कुछ भी ना हमको अहमद मुख्तार चाहिए, कुछ भी ना हमको अहमद मुख्तार चाहिए, मरने से पहले आपका दीदार। क्या बात है, माशाल्लाह सलामत रहे आप। दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम की, दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम की, मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम। ये घराना है नबी का, ये घराना है नबी का। अब जरा ढोलक ढमले के साथ आ जाए, ढोलक ढमले के साथ। ये फरमाने इलाही मेरा फरमान नगी है, ये फरमाने इलाही मेरा फरमान नगी, जो मोहम्मद को ना माने वो मुसलमान नहीं। नबी का देखो माल पानी आए तो ये जानी बाबू पाचो मशाल आपकी अनिल से नवाजा गया। बहुत शुक्रिया। ये घराना है नबी का, ये घराना है नबी का।